नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल स्पोर्ट्स चैनल में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के आज डे वन के इवेंट हो चुके हैं। अब कल खेले जाएंगे डे टू के इवेंट्स, जिसमें भारत के लिए 5 मैचेस होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैच टाइमिंग रहेगा, क्या स्केड्यूल रहेगा और कितने चांसेस हैं भारत के हर एक ओपोनेंट के खिलाफ जो मैचेस कल होंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले एक दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे स्पोर्ट्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला मैच भारत के लिए शाम को ही खेला जाएगा, लगभग 8 से 8:30 बजे ये मैच शुरू होगा। इंडिया वर्सेस हांगकांग चाइना वुमेन्स डबल्स, तनीषा कैस्ट्रो एंड अश्वनी पोनप्पा ये मैच नंबर 6 खेलेंगी कोर्ट 4 पर। सेकेंड मैच फॉर इंडिया इन बिटवीन प्रियांशु रजावत एंड वोरदोयो। तो प्रियांशु रजावत पर भी नजरें रहेंगी क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, यंग प्लेयर हैं और इंडोनेशिया के इस यंग प्लेयर के खिलाफ इनके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। मैच नंबर 7 होगा ये और कोर्ट 1 पर, लगभग 8:30-9 बजे तक शुरू होगा ये मैच। इसके बाद होगा लक्ष्य सैन के लिए, लगभग 8:45 पर शुरू होगा कोर्ट नंबर 4 मैच नंबर 7। और फिर अगला मैच, चौथा मैच भारत के लिए बहुत टफ होने वाला है, सत्विक साईराज चिराग शेट्टी एंड वर्सेस मोहम्मद हसन एंड हेंद्रा सेतीवान। इंडोनेशिया के अच्छे पेयर में से हैं ये, हाँ थोड़े सीनियर हैं, डैडीज बोलते हैं इनको, बट ओल्ड हैं बट गोल्ड हैं। तो देखते हैं ये मैच कैसा रहेगा। रात को लगभग 11:30 बजे तक ये शुरू होगा, 11 बजे इस्टीमेट टाइम है, बट उससे लेट ही जाएगा। मैच नंबर 10 है कोर्ट 2 के लिए। इसके बाद आखिरी मैच, जो पांचवा मैच होगा इंडिया के लिए, श्वेता प्रणा पांडा और ऋतु प्रणा पांडा जो कि जापान के खिलाफ खेलेंगी। उम्मीदें कम है मुझे इस पेयर से, आज तक कुछ अच्छा कर नहीं पाई हैं, बट देखते हैं कल क्या होगा। फिर भी लगभग 11:30 बजे के बाद ही ये मैच खेला जाएगा। सो गाइज, ये है कल का पूरा स्केड्यूल। भारत के नजरिए से लक्ष्य सैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है ये, क्योंकि अगर लक्ष्य सैन अपने पहले ही मैच में हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो रैंक में नीचे रह जाएंगे और ओलंपिक क्वालिफिकेशन में मुश्किलें सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 15th रैंक पर आ चुके हैं वो रोड टू पेरिस में। तो कहीं ना कहीं अगर वो हारेंगे, जल्दी अर्ली एग्जिट मिल जाएगा, तो फिर वो चांसेस कम हो जाएंगे ओलंपिक्स में जाने के लिए। फिर उनको वहीं पर हमारे किदांबी जी या फिर लक्ष्य सैन के बीच में बैटल होगी और फिर वहां पे किदांबी जी, जो आप जानते ही हो, इंडियन प्लेयर्स को हराने में उस्ताद हैं। तो फिलहाल खैर, उम्मीद करेंगे कल लक्ष्य सैन जीते, सैफची जीते, एटलीस्ट 5 में से एटलीस्ट हम अपने 2 प्लेयर्स को आगे जाते हुए देखें। बट देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे आज पीवी सिंधु जीती हैं, लेकिन प्रणॉय एचएस ने निराश किया वहीं पर, तो देखकर काफी दुख लगा। किदांबी जी तो खैर हार ही गए हैं अपना विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ जो कि आज मैच हुआ था। तो देखते हैं अब ऑल इंग्लैंड में हम कहां तक पहुंच पाते हैं। पिछली बार 2023 में हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, क्या इस बार हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच पाएंगे इस बड़े टूर्नामेंट में, ये प्रश्न अब आखिरी दिन ही सॉल्व होने वाला है। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो में, नई अपडेट पर। देखते रहिए पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल स्पोर्ट्स चैनल। जय हिंद, जय भारत।